अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग चैनल। आज हम बनाएंगे जो फ्रंट की जो पट्टी होती है उसको हम कैसे बनाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको हमने कैसे बनाना है। आज इस फ्रंट पट्टी बनाना सीखेंगे। तो ये देखें, मैंने ये पट्टी ली है, ये मैंने 8.5 इंच की पट्टी ली है। इसकी जो मैंने लेंथ ली है और तकरीबन इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच तक होगी या 1 इंच से भी ज़रा सी कम है इसकी चौड़ाई। तो देखें, मैंने इसको प्रेस किया है, इसको मैंने प्रेस कर लिया है। देखें, इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। अगर ये प्रेस सही होगी तो हमारी जो पट्टी है उस वो ज़्यादा नीट होगी, तो ज़्यादा सफाई के साथ बनेगी। तो इसको प्रेस करना ज़रूरी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसे प्रेस करना है। देखें, भी मैंने इसकी साइड से भी मैंने इसे इस तरह से प्रेस किया है, इसकी इस तरह से मैंने साइड करके इसको प्रेस कर लेंगे। तो अब हम इसे देखें इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से मैं इसे फ़ोल्ड कर लूँगी। इसे फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको प्रेस कर लूँगी, तो इसकी जो पट्टी की जो किनारियाँ हैं वो बिल्कुल सही तरह सफाई से निकल आएंगी। इसके ज़रा सा इसके ऊपर पानी की स्प्रे भी करें। पानी की स्प्रे करने से ये होगा कि इसकी जो चेपी होगी वो अच्छी तरह से चिपक जाती है इसके साथ, तो उसकी पट्टी में जो फिर नीट काफ़ी ज़्यादा नीटनेस आ जाती है, ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसलिए इसके ऊपर पानी भी ज़रा सा लगाएँ तो ये ज़्यादा सफाई के साथ बनती है। ये देखिए, इसे इस तरह से मैं प्रेस करने के बाद ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी सफाई के साथ बनी है। अब मैं इसको देखें, अब मैं ना इसका थोड़ा सा 1/2 इंच तक का मैं कपड़ा इसका छोड़ के इसको मैं कटिंग करूँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें मैंने ये तकरीबन 1/2 इंच छोड़ा है, मैंने ये कपड़ा 1/2 इंच छोड़ के मैंने इसकी कटिंग की है। अब मैं इसके कपड़े को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी, इस पट्टी के ऊपर ही इस तरह से मैं थोड़ा सा हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल खींच के इसको फ़ोल्ड नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का हाथ से इसको हमने इसको फ़ोल्ड करना है। इस तरह से इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें, मैंने इसको अंदर की साइड पे फ़ोल्ड कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा किस लिए किया। इसको मैंने देखें इस तरह से मैंने इसके अंदर को इस तरह फ़ोल्ड करके मैंने इसको दोबारा से प्रेस कर दिया है। इसकी जो तह है वो अच्छी तरह से बैठ जाएगी, ये बिल्कुल नीट हो जाएगी। आप देखें, मैंने इसकी पट्टी में जो साइड से जो कपड़ा है बिल्कुल ज़रा ज़रा सा, बिल्कुल सिलाई जो हमने लगानी होती है बिल्कुल सिलाई के जो मार्जिन, सिलाई की मार्जिन छोड़ के हमने इतना सा ही कपड़ा इसका हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो इसको पीछे से भी हम या नीचे से इसको प्रेस कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसका नीचे से भी नीट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सफाई के साथ जो पट्टी बनी है हमारी, और बिल्कुल हल्का सा इसके नीचे से कपड़ा नज़र आ रहा होगा आपको, हल्का सा कपड़ा है ये। हम सिलाई में ये हम रखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो इसको मैंने इसलिए रखा है। ये देखिए, मैंने 8 इंच की पट्टी ली थी, जो मैं छोटी पट्टी लूँगी वो मैं 7.5 इंच की पट्टी लूँगी, जो ये मैंने बड़ी वाली पट्टी ली थी वो मेरी तकरीबन 8.5 इंच या 8.25 इंच इतनी ही पट्टी थी। तो ये देखें, मैं इसका जो पट्टी मैंने 7.5 इंच ली थी, तो मैं इसका इस तरह से मैंने नाप किया है। नाप करने के बाद जो हमारा कट तक जो कपड़ा आएगा वहाँ तक हम रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसको हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पट्टी जो है ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी जो बैक पट्टी है उसे भी इसी तरह से सेम तैयार करेंगे। ये देखें, मैं इसकी बैक पट्टी है उसे भी मैं इसी तरह से मैं तैयार करने लगी हूँ, ये भी सेम उसी तरह से मैं तैयार करूँगी। तो व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में बताया करें। सब्सक्राइब करने से मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। ये देखें, मैंने इसे भी इसी तरह से प्रेस करके मैंने इसका जो कपड़ा था वही मैंने इसका साइड से मैंने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा है। कपड़ा छोड़ने के बाद मैं इसको पीछे से भी इस तरह से मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद इसको जो दोनों साइड से ये नीट हो जाती है। तो पानी ज़रूर लगा के आप स्प्रे करें, स्प्रे पानी की करके फिर इसको आप प्रेस करें, तो इससे ये ज़्यादा अच्छी सफाई के साथ इसकी पट्टी बनती है। ये देखें, मैं इसको भी प्रेस करने लगी, इसको भी मैं प्रेस कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैंने देखें इसको भी मैंने प्रेस कर लिया है, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने इसकी फ्रंट पट्टी रेडी की थी, सेम मैंने उसी तरह से इसकी मैंने ये पट्टी भी इसी तरह से मैंने तैयार की है। ये मैं कट बैन वाली पट्टी तैयार कर रही हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी, ये भी बताऊँगी कि इसको जो हमने कट बैन वाली पट्टी है वो हम किस तरह से तैयार करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, इसको हमने प्रेस करने के बाद जो इसका हमने एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमने कटिंग कर लेना है। इसको अगर आपने अच्छे से प्रेस किया होगा तो ये
स्टिच करने के बाद भी ये अच्छी तरह से सफाई से ये लग जाएगी। तो ये देखें मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है मैंने वो कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसका मैं कट लगाऊंगी, जो हमने कट बैन वाला इसके ऊपर ऊपर मैंने इसके बैन लगाना है, जो ये कट बैन वाली पट्टी है। तो इसका हमने बैन किस तरह से लगाना है, इसकी हमने पट्टी किस तरह से स्टिच करनी है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसकी पट्टी की जो स्टिचिंग देखने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इसमें मैंने जस्ट आपको पट्टी की जो पट्टी को हमने प्रेस करते हैं वो मैंने आपको समझाया है कि इसे किस तरह से हमने प्रेस करना है। ये देखें मैं आधा इंच का कट लगाऊंगी इसके ऊपर, ऊपर की साइड से मैंने आधा इंच का कट लगाया है। दूसरी पट्टी में भी मैंने इसी तरह से कट लगा लिया है। दोनों पट्टियों में सेम एक ही जैसा हमने कट लगाना है, बिल्कुल नाप करके आप कटिंग कट लगाइए बिल्कुल बराबर में। इस तरह से देखें दोनों पट्टियाँ हमारी एक ही तरह से रेडी हुई हैं। आप देखें इसकी नोक जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार होगी। देखें ये देखिए हमने इसको बिल्कुल यहाँ से सफाई के साथ हमने इसकी जो हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें इसकी जो इस तरह से नोक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होगी। ये देखें ये किस तरह से कितनी खूबसूरत और इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी नोक बनी है। इस तरह से इसके ऊपर जब हम बैन लगाएंगे तो वो भी बहुत ही सफाई के साथ इस तरह से बन के रेडी हो, ये देखें इस तरह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।